अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद थाना मुरादनगर क्षेत्र में समीर नामक युवक की हत्या करके खाली प्लॉट में फेंक दिया था। पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व विधायक वाहब चौधरी और उसके भतीजे आहत को गिरफ्तार कर लिया है। आहत अब समीर का दोस्त था। उनके पास से एक पिस्टल, 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वाहब चौधरी जो हत्या हुई थी कल, उसमें उसका खुलासा हुआ, तो वाहब चौधरी का उसमें कितना हाथ था, कितना रोल था? जैसा कि जानकारी है, पिछले वर्ष मई माह में शाहना नाम की महिला की हत्या हुई थी। शाहना जो है वो आस मोहम्मद की पत्नी थी। आस मोहम्मद वहाब चौधरी के का भाई है, और उस मर्डर में आस मोहम्मद का बेटा और एक अन्य लड़का समीर, तीन लोग अभियुक्त थे और तीनों लोग जेल गए थे। उसमें समीर और आहद की जमानत फरवरी मार्च माह में लगभग हुई है। तो फिर इसमें इस तरह की प्लानिंग हुई कि समीर को मार दिया जाए, क्योंकि उसका जो वहाब चौधरी ने मेन जो इसमें स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, जो पूरा बनाया इसमें फ्रेमवर्क, वो वहाब चौधरी का ही था। वहाब चौधरी ने क्योंकि अब इसके परिवार में कोई और बड़ा नहीं बचा था, माँ की पिछले वर्ष हत्या इसने खुद कर दी थी अपने पिता के साथ मिलकर, और पिता ऑलरेडी जेल में था। वहाब चौधरी ने बोला कि इस तरह से अगर इसको मार दोगे तो ये हमारे ख़ानदान पे से जो दाग है कि हमने अपनी घर की बहू को मार दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। और इन्होंने जो आस मोहम्मद का बेटा है, जो कि ऑलरेडी अपनी माँ की हत्या कर चुका था, उसी को इस घटना में इस्तेमाल किया कि समीर की हत्या कर दे, ताकि समीर की हत्या करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो तेरे ऊपर से हट जाएंगी, कि और यही कहा जाएगा कि समीर ने माँ का मर्डर किया था और इस कारण से तूने बदला ले लिया। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भैंसा बुग्गी पर मोटरसाइकिल रख कर बढ़ती महंगाई पर विरोध व्यक्त किया। जितेंद्र कुमार गौड़, प्रदेश चेयरमैन शिक्षा प्रकोष्ठ। आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ऐसा बुग्गी के ऊपर मोटरसाइकिल रखी गई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार हो चुके हैं, डीजल के दाम 100 रुपये पार हो चुके हैं, और इससे पूरी महंगाई बढ़ेगी। जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा था उस समय पेट्रोल का दाम और क्रूड का रेट बहुत ज़्यादा था, 100 से ऊपर था, तब 80 से ऊपर नहीं पहुँच पाया था, आज 100 से ऊपर है। इसी से महंगाई बढ़ रही है, और यही कारण है कि आज जब 80 रुपये पेट्रोल हुआ था कांग्रेस के शासन में, तो इन्होंने बुग्गी से शुरू आना शुरू कर दिया था, साइकिल से आना शुरू कर दिया संसद में, आज 100 से पार हो गया, आज ये चुप हैं। तो ये महंगाई खत्म की जाए, महंगाई कम की जाए, हम महंगाई के विरोध में। सब जगह रेट बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों पर रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर की बात कर लें, तेल की बात कर लें, तो सरकार इतने रेट क्यों बढ़ा रही है, आखिरकार क्या वजह है जो लगातार महंगाई बढ़ रही है? भाई, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए इसका तो काम है पैसे कमाना, सीधा है, ये टैक्स कम करें। जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय जब क्रूड का रेट बढ़ा था, तो कांग्रेस सरकार शासित जितने भी प्रदेश थे उन्होंने अपना टैक्स कम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया था। इसी तरह से अभी भी ये टैक्स कम करते हैं, जो बहुत टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल से, वो पेट्रोल डीजल से टैक्स खत्म कर दें, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 15 जुलाई के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रमुख सचिव आरके तिवारी और डीजीपी मुकुंद गोयल ने किया तमाम कार्यक्रम के स्थलों का निरीक्षण। प्रधानमंत्री जी का जैसे आपको यहाँ कार्यक्रम वीवीआईपी का कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की तैयारी के संबंध में हम लोग आए हैं, हम डीजीपी साहब हैं, उसी की समीक्षा कर रहे हैं, बाकी सब तैयारियाँ अच्छी चल रही हैं। देखिए, प्रोग्राम अभी फाइनल आया नहीं है, तो ऑफिशियल प्रोग्राम आ जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन मोटा मोटा जैसे यहाँ आए हुए हैं तो रुद्राक्ष में कार्यक्रम है ही, एक जनसभा का कार्यक्रम है, बीएचयू का कार्यक्रम भी है, लेकिन फाइनल कार्यक्रम अभी आना शेष है। फाइनल कार्यक्रम जब आ जाएगा तो उसकी आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, अब जैसे ही प्रोग्राम फाइनल हो जाता है, जो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ प्रत्येक जगह पे अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कल एसपीजी के अधिकारी भी आएंगे, उनके साथ मिलके
यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब और ADG साहब मिलकर एक प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था की जाएगी। सर, स्टेट लेवल का उस दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो क्या इसका कुछ असर या इसको लेकर कार्यक्रम में कोई बदलाव? नहीं, उस प्रोटेस्ट को अपनी तरह से हैंडल किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो। सारी चीज़ों का दौरा किया तो क्या क्या चीज़ें थी और किस उपलक्ष्य में दौरा? ये देखिए, दौरे के दो तीन कारण हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसी की तैयारी के वो जायज़ा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हैं, और ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में SPG के अधिकारी भी आएंगे, उनके साथ में समन्वय स्थापित करके हमारे यहाँ लोकल अधिकारी बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और जो भी इनको अतिरिक्त पुलिस बल की भी ज़रूरत होगी वो हम लोग मुहैया कराएंगे और कानून व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। किन किन जगहों को देखा आपने, और अगर खासतौर पे अगर बात करें प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में, तो कहाँ कहाँ अभी तक की क्या सूचना है? नहीं देखिए, वो तो अभी तो प्रस्तावित ही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है प्रोग्राम, लेकिन जो एक दो जगह है, एक कन्वेंशन सेंटर नया बना है जो रुद्राक्ष, वहाँ पर संभावना है, और एक संपूर्णानंद विद्यालय में वहाँ पे कार्यक्रम की संभावना है, BHU में भी होना है, BHU में भी कार्यक्रम कुछ होगा, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, तो उचित व्यवस्था की जाएगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ये पहला दौरा मेरा लखनऊ के बाहर है ज्वाइन करने के बाद में, और मैंने आज मैं वाराणसी जनपद रेंज के सभी अधिकारी भी आज आए हुए हैं, उनसे मैं यहाँ की कानून व्यवस्था और अपराध के बारे में थोड़ी समीक्षा और वार्ता भी करूँगा और आगे आने वाली जो कांवड़ यात्रा है उसके बारे में निर्देश दूँगा। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, बढ़ती महंगाई व गन्ना भुगतान पर कर रहे हैं लोकदल नेता प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम सौंपा नेताओं ने ज्ञापन। सिविल लाइन थाने के प्रकाश चौक पर धरने पर बैठे। सहारनपुर में शाकुंभरी नदी में अचानक आई बाढ़ से बीच में ट्रैक्टर सहित फंसे श्रद्धालु। अन्य श्रद्धालु कर रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने का प्रयास, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची स्थानीय पुलिस। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।